दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले धरती पर नागों का अस्तित्व था। नाग और मनुष्य एक साथ रहते थे। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथी बयान करते हैं कि प्राचीन काल में कुछ सांप इतने विशालकाय थे कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे, लेकिन समय के साथ इनका आकार छोटा होता गया। लेकिन आज कई लोगों ने विशालकाय नागों को देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागराज वासुकी और शेष नाग का वर्णन मिलता है। ये नाग आकार में बहुत ही बड़े थे और इनके पास फन भी हुआ करते थे। लेकिन इन नागों का दर्शन करना आज के समय में संभव नहीं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से 5 फन वाले सांप को देखा है। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको उनसे ऐसे कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि उन्होंने मणिधारी नाग देखे हैं या फिर 5 फन वाले नाग देखे हैं। अगर ऐसा नाग नहीं होते तो फिर इनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में क्यों किया गया होता? ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ गुप्त जगह पर इन नागों को देखा जा सकता है। कई बार ये नाग अचानक प्रकट भी हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही शेष नाग के चमत्कार की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब शेष नाग ने लोगों को अपने दर्शन दिए थे। ये घटना आज से 10 साल पुरानी है, जब कोरे गांव में रहने वाली शीला देवी को साक्षात शेष नाग ने दर्शन दिए थे। शीला देवी बहुत ही संस्कारी और भगवान पर आस्था रखने वाली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में शिव जी की बहुत भक्ति और पूजा पाठ किया था और बुढ़ापे में भी उन्होंने शिव जी की भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। वे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाया करती थी। शिवलिंग की पूजा उनका नियम था। लेकिन एक बार शीला देवी को शिव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। सभी गांव वालों को शीला देवी की शिव जी के प्रति आस्था के बारे में पता था। जब भी कोई बीमार पड़ता था तो शीला देवी के पास ही जाया करते थे और शीला देवी जब उनकी नज़र उतारती थी तो वो व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाता था। शीला देवी में ऐसी अलौकिक शक्तियां कहां से आई थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जरूर कोई तो बात थी उनमें। शीला देवी बताती हैं कि एक दिन उनके साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उन्होंने आकाश के बादलों में एक अजीब सी हलचल देखी। बादल बहुत तेजी से अपना आकार बदल रहे थे। उन्हें वह नज़ारा बहुत ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर तक आकाश में देखने के बाद उन्हें बादलों में से एक विशाल सर्प जैसी आकृति दिखाई देती है। शीला देवी बहुत ही अचंभित हुई और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगी। उन्होंने अपने परिवार वालों को ये दृश्य दिखाया, लेकिन इतने में ही बादलों में अपना रुख बदल लिया और नाग की आकृति गायब हो गई। सभी को लगा कि सीता बूढ़ी हो गई है और कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन शीला देवी को पता था कि उन्होंने क्या देखा है और वो कोई भ्रम नहीं था। शीला देवी जब अपने घर गई तो रात में फिर उनके साथ उसके सपने में एक नाग के दर्शन हुए। 5 फन वाले नाग ने उन्हें शिव के मंदिर में उन्हें दूध लेकर जाने को कहा। इतने में उनकी आंख खुल गई और रात भर जागकर सपने के बारे में वो सोचने लगी। सुबह होते ही वो दूध लेकर शिव जी के मंदिर गई और वहां पर कोई भी नहीं था। मंदिर में जाते ही शीला देवी देखती है कि शिवलिंग पर एक 5 फन वाला नाग बैठा था जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शीला देवी नाग देवता को प्रणाम करती हैं और उन्हें दूध अर्पण किया। नाग देवता ने उस दूध का सेवन किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिव जी तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है और मृत्यु के पश्चात तुम्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। ये सुनते ही शीला देवी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने घर वालों से भी किया, लेकिन कभी भी किसी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन उसने कुछ महीनों बाद शीला देवी की मृत्यु हो गई तो सभी ने एक अलग ही चमत्कार देखा। शीला देवी के अंतिम संस्कार के समय उस स्थान पर कई नाग भी आए। ये चमत्कार देख परिवार के सभी लोगों की समझ में आ गया कि उनकी दादी सच कह रही थी और वे सभी खुश हैं कि उनकी दादी महादेव के कैलाश में निवास कर रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जो भक्त शिव जी की भक्ति में डूब जाता है तो महादेव उसे अपने कैलाश पर स्थान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।